ये ब्लैक कलर का है। अभी अगर मौसम तो आया टाइमिंग तो लगभग लगभग 22 है। अंदर का तो जगह थोड़ा चौड़ा में जाऊंगा, वजन थोड़ा तड़पड़ा वजन। चलो आ जाओ। चलो प्लेट जगह की जरूरत है, मुझे आप थोड़े ऊपर का बढ़ते जगह भी कोई मालूम था कम कर। अशोक दखन दे एक बहुत ही खूबसूरत का भी रेस्क्यू किया है। ये सीनियर स्कूल के पास की लोकेशन है और इसको इस डिब्बे में भी तो रेस्क्यू करके रख लिया गया है। अब इसको थोड़ा वक्त बाद में या लगभग सुबह इसको कहीं दूर जंगल में ले जाके रिलीज कर देंगे। एक ब्लैक कोबरा, ब्लैक बेबी कोबरा को रेस्क्यू किया है एक मकान से, बगल में ही ईंटों में था ये के आसपास, तो अब इसको रिलीज करने के लिए आए हैं। वैसे मैं जिन भी सांपों को रात को रेस्क्यू करता हूँ उनको मैं अक्सर सुबह ही रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे यहाँ पैंथर मिले थे एक दो बार, तो मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी। पर ये नौजवान युवक आज मेरे साथ थे तो इन्होंने देखा कि अगर वो मिलेगा तो उसको भी ज़रूर पिलवाएंगे, हालांकि ऐसा हमारी किस्मत नहीं होगी तो हम इसको यहीं पे रिलीज़ कर देते हैं अभी, तो शायद थोड़ा और आगे जाने की हम हिम्मत करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, नाइट का ही समय है जैसा आप देख रहे होंगे, बहुत जल्द इसको रिलीज़ कर देंगे हम। सबसे पहले आसपास की लोकेशन को ज़रूर देखेंगे क्योंकि जंगल में जाते समय इन चीज़ों को अक्सर ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे अक्सर पैंथर वगैरह हमें मिल सकते हैं छुपे हुए, क्योंकि वो मौका प्रस्त जीव होते हैं। ठीक है, इस खूबसूरत सांप को आज नाइट में ही रिलीज़ करते हैं, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है पूरी रात भर इन डिब्बों में इन सांपों को, इन आज़ाद प्राणियों को रखना, तो मैं इनको जल्दी ही रिलीज़ कर दूंगा। वैसे मुझे ये जो बेबी कोबरा है दिखने में बहुत सुंदर लगता है, पर ये खतरनाक बड़े सांप जितना ही होता है, शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो अब इनको रिलीज़ कर देते हैं। चाहूँगा कि ये थोड़ा सा हमें कुछ दिखाए, अगर इसकी इच्छा हुई तो ज़रूर थोड़ा समय बिताएगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी किस्मत हमारी है नहीं। हालांकि ये बाहर नहीं निकल रहा अभी, पता नहीं इसे ये डिब्बा पसंद आ गया होगा, क्योंकि हमारे साथ ये दो नौजवान भी हैं आज और ये सांप घबरा रहा होगा इनसे। ठीक है दोस्त, बाहर आ जाओ, बहुत हो गया, चलो चलो। अरे बाहर आ जा मेरे दोस्त, थोड़ा रोड की तरफ आएगा तो थोड़ा हैरान होते ही इन जीवों के लिए, क्योंकि ये रोशनी की तरफ कई बार आकर्षित होते हैं और ये रोड पे निकल जाते हैं। तो अब ये हम रात की वजह से थोड़ा सड़क के पास में ही इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमें डर रहता है क्योंकि हमने इसे बचा है तो ये वाकई में बच भी जाए, तो ये अब ये सही दिशा में है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यू आगे जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये ज़्यादा रात्रि का समय है, इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। हमारा काम, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इन जीवों के लिए बढ़िया काम कर सकें। धन्यवाद।